अस्सलाम वालेकुम, मैं किंग शेफ शाइजर। जहाँ जहाँ जो जो मुझे देख रहा है सब सदा सलामत रहें और खुशहाल रहें। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं सैंडविच, पिज़्ज़ा सैंडविच। पिज़्ज़ा सैंडविच बहुत ही अच्छा बनता है, बेहतरीन और झटपट बनने वाला, घर में आप बना सकते हैं। और इसके लिए हमें डो नहीं चाहिए, इसके लिए हमें ब्रेड चाहिए बड़ी वाली। तो चले आए हम आपको सिखाते हैं पिज़्ज़ा सैंडविच। इसमें पिज़्ज़ा सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन, तकरीबन आधा किलो हमने चिकन ले लिया, वो आपकी मर्ज़ी, जितना भी लें और जितना बनाना चाहें उसके हिसाब से बना सकते हैं। चिकन बना के फ्रिज में रख सकते हैं, सही है। दो बड़ी शिमला मिर्चें ले ली, बारीक चॉप कर ली हमने। ऑलिव ले लिए हमने तकरीबन 50 ग्राम या 60 ग्राम, वो जितना आपको पसंद है। 1 टीस्पून एंड द हाफ लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 पाव ले लिया हमने चेटर चीज़, सही है। मोज़रेला भी आप, बल्कि मोज़रेला है ये, चेटर भी मिक्स कर सकते हैं और मोज़रेला भी, दोनों। अच्छा जी, ये है हमारा होम मेड पिज़्ज़ा सॉस। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, इसकी रेसिपी डली हुई है, आप वो ले सकते हैं या फिर जो आपके पास हो वो। ये हो गया। अच्छा जी, सिरका है हमारा, 2 टेबल स्पून सिरका डालेंगे। ये है बारबेक्यू सॉस, मिल जाता है मार्केट में, 1 टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस। अच्छा जी, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, 1/2 टीस्पून रेड मिर्चें जो आम पाउडर होता है, मोटा मोटा ज़ीरा पिसा हुआ या फिर बारीक भी बिल्कुल ले सकते हैं, 1 टीस्पून। 1 टीस्पून चिकन पाउडर या फिर चाइनीज सॉल्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून नमक या हसबुल नमक, बस ये तमाम चीज़ें। तो चले आए हम जल्दी से, पहले इसका चिकन बनाते हैं। चिकन आपको मैरिनेशन करना होगा, उसके लिए हमने देखें इसके अंदर सिरका 1-2 टेबल स्पून हमने सिरका मिला दिया इसके अंदर, सही। ये हो गया हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये आ गया हमारा बारबेक्यू सॉस, सही है, 1 टेबल स्पून के करीब बारबेक्यू सॉस, इसको मिक्स करें। ये हो गया। अच्छा जी, हमारा पिसा हुआ जीरा मोटा मोटा 1 टीस्पून के करीब, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्चें, थोड़ी ज़्यादा होती है ना क्योंकि सैंडविच आएगा तो फिर उसमें मिर्चें कम रह जाती हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1/2 टीस्पून नमक या फिर 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, सही है। उसको मिक्स करें, अच्छी तरह मिक्स करें, नमक चेक करें, ओके। अच्छा जी, अगर कलर मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, नहीं तो रहने दें, सही है। तो अब इसको हम रखेंगे तकरीबन 15-20 मिनट बाद, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है। भाई जी, बिस्मिल्लाह माने, हमने तकरीबन 20 मिनट हो गए इसको मैरिनेशन किए हुए, आधा कप पानी हमने मिलाया इसके अंदर और उसके अंदर ये सारा मसाला है, सारा चीज़। सही जी, अब इसको हमने इतना पकाना है कि ये इसका सारा पानी सूख जाए और फिर हम आते हैं आपके पास और फिर हम आपको दिखाते हैं। चलिए जी, चिकन हमारा तैयार हो गया। देखिए, ये कटर मिल जाता है मार्केट में, 2 स्लाइस रखे और दबा दिया, ये गोल गोल कट गया। 3 स्लाइस का एक पिज़्ज़ा बनेगा आपका पिज़्ज़ा सैंडविच, ये जल्दी बनेगा और टाइम की बचत होगी, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें तो ऐसी होती है आप कर सकते हैं ना। तो ये इस तरह हमने इस पर माइनस लगा लिया। अच्छा जी, पिज़्ज़े की जो ट्रे होती है उसके अंदर भी बन सकता है, अगर कोई दूसरी ट्रे है आपके पास तो उसके अंदर भी बन सकता है। तो इसको हमने ओवन में रखना है, ओवन मैंने चला दिया था तकरीबन आधा घंटे पहले 150 पे, बिल्कुल गर्म ओवन होना चाहिए, 5 से 10 मिनट, 10 मिनट भी बहुत है, 5 मिनट बस हमारा चीज़ मेल्ट होगा और हम इसको निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा। अच्छा जी, अब हमारा ये सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, इसमें जितना अच्छा आपका सॉस होगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। सही जी, सॉस लगाने के बाद अब ये चिकन हमारा इस पर फैलाएं अच्छी तरह। जितना आपकी
वो है, उसके हिसाब से आप चिकन लगा सकते हैं। चिकन बहुत मज़े का बनता है, स्पाइसी बना है, वी आई पी करना। अब हमने इसको, ये मेरे पास दो स्लाइस थे, एक कम था तो इसलिए हमने ये वाला जो है ना, ये वाला अच्छा जी। इस पे हमने क्या करना है, ये वाले स्लाइस पे तो कोई सा भी अच्छा सा केचप ले लेंगे, चिल्ली गार्लिक, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। सही जी, देखें सारा हमने इस पे फिरा दिया चिल्ली गार्लिक। अब क्या करना है, अब आएगा हमारा इसके अंदर अच्छा, अगर आप मशरूम डालना चाहें तो मशरूम भी डाल सकते हैं। मशरूम डालें, जलपिनो मिल जाए जलपिनो डालें। आजकल जलपिनो बहुत शॉर्ट है, मार्केट में नहीं है, है भी तो जाली वाली जो खुद बनाई हुई वो बेकार है, क्योंकि जलपिनो का सीज़न होता है, वो आती है, घर में बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दफ़ा जब आएगी ना बड़ी वाली मिर्चें तो फिर मैं आपको उसकी रेसिपी भी दूँगा, वो आप बना के रख लें, सालों पड़ी है, ख़राब नहीं होगी। सही जी, अब हमने इसको ऐसे दबा दिया। अच्छी तरह दबा दें। अच्छा जी, ये हमारा एक ही था, सिंगल था। अच्छा जी, हम आपकी आसानी के लिए ये जो हमारे पास पिज्जे की सिला है इसके अंदर हल्का सा ऑयल लगा दिया हमने, उसके अंदर रख दिया इसको ऐसे। ऑयल लाजमी लगाइएगा क्योंकि नीचे से ज़रा ब्राउन होगा, अच्छा लगेगा। एक ही में माशाल्लाह सारा इसके अंदर कर देते हैं साइड पे। अच्छा, हमने से भी ऑयल और ये थोड़ा रखा है, ये अभी नहीं बाद में इसको। अच्छा जी, मैं ये थोड़ी सफाई करता हूँ, बना देता हूँ। सही जी, मोज़रेला चीज़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे डालना, ऐसे डालें नहीं तो आपने इसको अलग से डाल लें, पहले रगड़ लें। सही है, मैं डालता हूँ फिर दिखाता हूँ। सही जी, सारा हमने डाल दिया, थोड़ा सा बचा दिया। अब हम ये ऑयल्स लगाएंगे इसके ऊपर। ये आपको पता है पिज़्ज़ा कोई भी बनाएंगे तो ये पिज़्ज़े की जान वो शान होती है। सही जी, इस तरह आपने थोड़ी थोड़ी शिमला भी लगा दें ऊपर, थोड़ा सा दबाएं इसको। थोड़ा थोड़ा मैंने चीनी रख लिया था उसको। कौन सा मोज़रेला चीज, चेटर्स भी डाल सकते हैं। सही जी, हमारा तैयार हो गए पिज़्ज़ा सैंडविच। अब हम इसको ओवन में रखते हैं 5 से 10 मिनट, 10 मिनट भी ज़्यादा है, बट जैसे ही हमारा चीज़ मेल्ट होगा हम इसको निकाल लेंगे। तो चले आए, चलते हैं ओवन में रखते हैं। सही जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओवन हमारा गर्म है, बेहतरीन गर्म ओवन, उसके अंदर आपने रखना है। अब इसको मुंह बंद करते हैं और फिर आते हैं, फिर आपको देखते हैं। सही जी, हमने थोड़ी देर जैसे 2 से 3 मिनट नीचे वाला हमने ऑन रखा था, फिर वो बंद कर दिया था, फिर ऊपर वाला ताकि उसको ऊपर कलर आ जाए। तकरीबन 5 मिनट में ये बेहतरीन हो गया, ये देखें, ओ माई गॉड वाला पिज़्ज़ा बन गया ये। इस टाइम मशहूर ज़माना, अब हम आपको काट के भी दिखा देते हैं। फर्स्ट क्लास वीआईपी, मज़ेदार।
सही। अब आपने हमारे चैनल पे आना है किंगशिप शाइजर जी पर, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी पूछना चाहते हैं मेरा नंबर लिख लें 03150444। इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद।